बिसात चाहे राजनीति की हो या फिर शतरंज की, मोहरे चाल से पहले ही संभालने पड़ते हैं। और जब बात चुनावी मौसम में हो तो भला अपने सभी मोहरों को संभालना बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह कैसे भूल सकते हैं। ऐसे में मंथन और चिंतन के बाद आखिरकार शाह ने राजस्थान चुनाव के सभी मोहरे बिसात पर एक साथ खड़े कर दिए, वो कुछ इस तरह कि जिससे ना तो रानी रूठे और ना ही हारे। नमस्कार, जनभावना टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं। वर्तमान में सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के पास 106 सदस्य हैं, जबकि मुख्य विपक्षी दल भाजपा के 71। और अब राजस्थान में भाजपा ने बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के ही उतरने का फैसला लिया है। कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे को भी भाजपा ने इस तरह चुनाव में लड़ने पर राजी कर लिया। बीते दिन यानी बुधवार को शाम 7 बजे से देर रात 3 बजे तक जयपुर में अमित शाह जेपी नड्डा की मौजूदगी में मंथन चला। इसी दौरान ये फैसला लिया गया। सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने वसुंधरा राजे को खुश कर लिया है, जो कि अब तक नाराज बताई जा रही थी। वो राजस्थान में कई बार सीएम रह चुकी हैं। ऐसे में वो खुद को सीएम फेस मानकर चल रही थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें बिना किसी चेहरे के ही लड़ने पर राजी कर लिया है। खबर है कि वसुंधरा को संकेत दिया गया है कि भले ही वो सीएम फेस नहीं है, लेकिन उनकी अहम भूमिका होगी। टिकट बंटवारे में उनकी राय को महत्व दिया जाएगा। इसी के चलते वसुंधरा राजे खुश है और अब मेहनत से चुनाव में जुटने का फैसला लिया है। इसका संकेत तभी मिल गया था जब वो दफ्तर से रात को निकली तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीटिंग की जानकारी देते हुए बताया कि कोर कमेटी की मीटिंग में फैसला हुआ कि इलेक्शन के लिए कोई सीएम फेस नहीं होगा। इस मीटिंग के साथ ही राजस्थान के नेताओं के साथ भी अलग अलग 45 मिनट की मीटिंग हुई। रात भर मीटिंग के बाद राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएस संतोष और प्रदेश के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की मीटिंग चल रही। इस बैठक में राजेंद्र सिंह राठौड़ भी मौजूद हैं। शेखावत ने कहा कि इस मीटिंग में राजनीतिक मुद्दों के साथ ही जनता के बीच किन मसलों को लेकर जाएं, इस पर भी चर्चा हुई। हो सकता है कि भाजपा राजस्थान में भी मध्य प्रदेश वाली रणनीति अपना रही है और चुनाव में हाइप बनाने के लिए लोकसभा सांसदों को उतारने की तैयारी है। इसी के तहत सुखबीर सिंह जौनपुरिया, किरोड़ीलाल मीणा और दिया कुमारी को उतारने का प्लान है। तीनों ही अलग अलग समुदाय से हैं। भाजपा को लगता है कि उन्हें उतारने से माहौल बनेगा। जौनपुरिया गुज्जर हैं, किरोड़ीलाल मीणा एसटी हैं और दिया कुमारी जयपुर के राजघराने से आती है। कल शाम तक ही भाजपा राजस्थान में पहली लिस्ट जारी कर सकती है। पहली ही सूची में वसुंधरा राजे, सतीश पुनिया और राजेंद्र राठौड़ के नाम घोषित हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक करीब 30 सीटों पर नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं। इसमें से झालरा पाटन में वसुंधरा राजे, चूरू से राजेंद्र राठौड़ और आमेर से सतीश पुनिया को मौका मिल सकता है। इसके अलावा पुष्कर से सुरेश रावत को उतारने की चर्चा की जा रही है। कहा यही जा रहा है कि पार्टी हाईकमान ने मना सबको लिया है और सब साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार भी है, लेकिन क्या सभी मिलकर चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, क्या चाणक्य की बिछाई बिसात पर रानी चल पाएगी, ये सब चुनावों का परिणाम बताएगा। नमस्कार।